जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जे एंड के यूटी। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपके लिए फ्रेश अपडेट लेके आए हैं, और जो फ्रेश अपडेट ये रहेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं, जो कि 2439 वैकेंसीज होंगी। ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे पूरी फुल, ये जो कि मैं आपको बता दूँ, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे इधर से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो हम इसको ओपन कर देते हैं सबसे पहले। और गाइज, हमने पीडीएफ डाउनलोड कर दी और आपके सामने ये पीडीएफ है। तो मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप तक फ्यूचर में सबसे पहले पहुँच सके। और साथ अगर आप चाहते हैं जो इनका साथ अगर आप चाहते हैं कि जो इनकी पीडीएफ है आप डिटेल में पढ़ें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये प्रोवाइड होगी ईजिली, तो वहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पर जल्द ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ओनली सीआरपीएफ की तरफ से जो पोस्ट निकली इसमें इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू देना है। ठीक है गाइज, और क्या है ये, अपॉइंटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, फॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गाइज ये होगी, और किनके लिए होगी, रिटायर पर्सन जो होगा और एक्स सर्विसमैन जो होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और साथ में आपको बता दूँ, इसकी जो एज आपकी जो एज होनी चाहिए 62 एज वाले भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इसमें देन आपको आप वैकेंसीज के ऊपर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ए आसम राइफल की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की निकल के आई है, आईडीबीपी और एसएसबी की निकल के आई है। रैंक में देख सकते हैं आप, जैसे कि रैंक में एसआई स्टाफ नर्स की निकली है 49 वैकेंसी, एएसआई लैब टेक्नीशियन की निकली 40, वैसे सीआरपीएफ में स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर असिस्टेंट की 41, वैसे ही नैब सुबरदार स्टाफ नर्स जो कि 52 निकल गई है, वारंट ऑफिसर फेयरमिस्ट 26 निकल गई, राइफल मैन लैब असिस्टेंट 11 निकल गई है, फेयरमिस्ट सीआरपीएफ में 123। ठीक है, आरपी असिस्टेंट ऐसे निकल के, इंस्पेक्टर की निकल गई है 3, एसएसबी में आईडीबीपी में स्टाफ नर्स की 18 पोस्ट निकली हैं, फार्मिस्ट की 11 निकली हैं आईडीबीपी में। गाइस, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ये सारी टोटल मिला के आपकी जितनी भी पोस्टें बनती हैं 2439 पोस्टें जो निकल के आई हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से। ठीक है गाइज, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकल के आई है। ठीक है, देन आगे हम बात करें आपका जो ये सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा, देन आगे बताऊँ। सबसे पहले 9/2021 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, जो कि 15/9/2021 तक चलेगा। और गाइज, ये आपके सेंटर दिए हैं दिल्ली, गुवाहाटी, जम्मू, हैदराबाद, अजमेर, गांधीनगर, नागपुर, इलाहाबाद, नीमच, मुजफ्फर, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पालीपुरम, आवादी। ठीक है गाइज, तो ये आपका, तो गाइज ये आपका 13 से लेके चलेगा यहाँ पे इंटरव्यू। और आप यहाँ गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सेंटर वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है गाइज, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर दिए हुए हैं, और यहाँ पे जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यही था जो मैंने आपको बता दिया, जो टू सीआरपी की तरफ से 2439 वैकेंसी निकल के आई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आसम राइफल में, एसएसबी में, आईडीबीपी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। ठीक है गाइज, तो ये थी कुछ वैकेंसीज, तो गाइज यही अपडेट था। और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा, और साथ साथ जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट होती है सबसे पहले वहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है। था आज की वीडियो में अपडेट, वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल जेएंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट का। जय हिंद, जय भारत।